हेलो फ्रेंड्स, आपका वेलकम है माय चैनल माय फेरी टेरेस गार्डन में। आज का जो हमारा वीडियो है वो है श्रिम प्लांट से रिलेटेड। इसे सुख शांति का पौधा भी बोलते हैं और इसे लॉलीपॉप प्लांट भी बोलते हैं। और इसका बॉटनिकल नेम जस्टिशिया ब्रैंडिजीनिया है। तो आज हमारा जो वीडियो है वो इन्फॉर्मेशन है इस प्लांट से रिलेटेड। सबसे पहले तो हम बात करते हैं, इसके फ्लावर से ही स्टार्ट करते हैं। इसके जो फ्लावर्स होते हैं वो रेड कलर के भी होते हैं, येलो कलर में भी मिलते हैं और ऑरेंज कलर का भी होता है। मेरे पास इसके दो वैरायटी हैं, ये रेड है और एक अभी येलो है जिसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हुई है अभी, तो वो भी मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, इसका जो फ्लावर है, इसका जो ब्रैकेट है वो रेड कलर का होता है और ये जो वाइट कलर का आपको दिख रहा है ये इसका फ्लावर है। ये टंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो जीप के जैसा निकला हुआ, ये इसके फ्लावर होते हैं एक्चुअल फ्लावर। तो ये ब्रैकेट रेड कलर का है और फ्लावर जो हैं वो टंग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे इसमें देखिएगा। तो ये इसके फ्लावर्स होते हैं। अब हम बात करते हैं, ये जो है ना बहुत खूब शुभ पौधा माना जाता है। इन्हें इसे लक्ष्मी गणेश भी बोलते हैं। दिवाली को इसमें पूजा में जो है वो इन प्लांट को जो है वो रखा जाता है। तो जब जैसे आप दिवाली पे पूजा कर रहे हैं तो इस प्लांट को मंदिर में आप ज़रूर रखें और साथ में इसकी भी पूजा करें, इसलिए इसका नाम लक्ष्मी गणेश भी है। बहुत शुभ पौधों की कैटेगरी में प्लांट आता है। अब हम इसके प्रपोगेशन से रिलेटेड बात करते हैं। इसका प्रपोगेशन बहुत ईजी है। जैसे इसको कहीं से भी नोड एरिया से आप कट कर दें, जैसे ये नोड एरिया है, यहाँ से आप कट करके और इसको ईजीली जो है आप, अभी रेनी सीजन चल रहा है, आप इसको ग्रो कर सकते हैं। तो मैंने इसको कटिंग से इसके दो प्लांट बनाए भी और मैंने डिस्ट्रीब्यूट भी किए, वो जिनके पास नहीं थे उनको दिए मैंने प्लांट ग्रो करके नोड एरिया से। और ये जो प्लांट है वो अप्रॉक्स फुल ईयर जो है फ्लावरिंग करता है, परमानेंट प्लांट है। और इसका जैसे ये एक फ्लावर आ जाता है तो वन मंथ तक चलता है। जैसे वन मंथ पहले का खिला हुआ फ्लावर है, देखिए अब ये जाने वाला है, तो वन मंथ तक जो है इसका एक फ्लावर आ जाता है तो फ्लावरिंग चलती रहती है। इसमें जो गर्मी का टाइम होता है जब समर में, तो इसके फ्लावर का कलर शेड होने लगता है। ये जैसे अभी थोड़ा सा आपको दिख रहा है अच्छा सा कितना ब्राइट रेड कलर है, ये रेड कलर नहीं रहता है, थोड़ा सा ये फेड हो जाता है कलर। तो गर्मी में जैसे आप इसको शेडी एरिया में रख दें, विंटर में आप फुल सनलाइट में इसको रखें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से चलेगा। अब हम बात करते हैं इसके सॉइल की। तो सॉइल के लिए स्पेशल कुछ नहीं है, जो आप गार्डन सॉइल और वर्मी कंपोस्ट का मिक्सचर और ये यूज़ करते हैं वो करें, इसके लिए कोई, बस वेल ड्रेनेज सॉइल होनी चाहिए और इसके लिए कोई स्पेशलिटी नहीं है। हार्डी प्लांट है, बहुत इजीली जो है वो ग्रो कर जाता है और फुल ईयर इसमें जो है फ्लावरिंग रहती है। और अप्रॉक्स 1.5 फीट 2 फीट तक इसके जो है हाइट जाती है। श्रब प्लांट है। अब हम बात करते हैं इसके फर्टिलाइज़र की। तो जो है फर्टिलाइज़र जो है आप इसको नॉर्मली जो अपन यूज़ करते हैं गार्डन में वो अपन दे सकते हैं, इसके लिए कोई स्पेशल फर्टिलाइज़र की कोई ज़्यादा रिक्वायरमेंट है नहीं। जैसे अपन इसमें वो वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं, काओ डंक यूज़ कर सकते हैं, है ना, एनपीके भी दे सकते हैं आप इसके अंदर, लिक्विड फर्टिलाइज़र दे दीजिए तो वो इसके अंदर आप दे सकते हैं फर्टिलाइज़र। और इसमें हमको प्रूनिंग ज़्यादा इसमें डिमांड नहीं है इसके लिए। और प्रूनिंग यदि आपको करनी है, जैसे मैंने तो अभी तक इसकी एक बार भी प्रूनिंग नहीं करी है, मेरे ऑलरेडी मैं इसकी ब्रांच को कट करके और प्लांट मैंने बनाए हैं तो फिर प्रूनिंग हो ही गई वो, नहीं तो विंटर में आप इसकी प्रूनिंग कर सकते हैं तो बढ़िया रहेगा। तो ये इस प्लांट की पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी। आई होप आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। Thanks for watching. मैं इसका क्लोज लुक दिखा देती हूँ आपको, मैं आपको इसका येलो कलर भी दिखा देती हूँ, वन मिनट। देखिए ये मेरे गार्डन का पूरा लुक है और यहाँ से जो है देखिए पहाड़ कितने अच्छे दिख रहे हैं। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये इसका येलो कलर है सुख शांति का और इसमें एक छोटा सा फ्लावर जो है वो आपको दिख रहा होगा, छोटा सा फ्लावर इसमें आ रहा है येलो कलर। ये मैंने बालसम की जो है सेडलिंग की थी, तो देखिए उसके प्लांट आ गए।
ये रेन लिली के सीड्स प्रिपेयर हो गए हैं, इनको इस तरीके से आप कलेक्ट करके और लगा सकते हैं। आई होप आपको आज का जो वीडियो है वो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।